Hello and welcome you all in series of lectures on applied thermodynamics. Today's topic of discussion is on natural drought and its calculations. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि what is boiler drought. इसको drought ना पढ़ के हम इसको पढ़ेंगे draft, right? तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें ये फर्नेस है, उसके ऊपर बॉयलर है, देन वी हैव इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, ब्लोअर एंड चिमनी. तो ड्राफ्ट का सबसे डायरेक्ट जो रिलेशन ये है कि फर्नेस में हम कोल को बर्न करते हैं और जिस जगह पर हम बर्न करते हैं उसको हम ग्रेट बोलते हैं. फर्नेस में हम जनरली कोल को बर्न करते हैं या किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं, और फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन या एयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो एयर की रिक्वायरमेंट हमें फर्नेस में है, तो वो एयर का मूवमेंट फर्नेस की तरफ कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन है. और दूसरा कि जब फर्नेस में फ्यूल बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ड्यू टू इट्स बर्निंग प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन प्रोड्यूस होंगे, यानी हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और उन हॉट गैसेस से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम यूटिलाइज करते हैं बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वो हॉट गैस इकोनोमाइज़र के थ्रू, एयर प्री हीटर के थ्रू चिमनी से बाहर चली जाती है. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि हमें जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, यानी कि जो हॉट गैसेस हैं, उनको फर्नेस के स्पेस से बाहर भी निकालना है. तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि फर्नेस में हमें फ्रेश एयर भेजनी है या फर्नेस की तरफ फ्रेश एयर जाए. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि फर्नेस में जो हॉट कम्बशन प्रोडक्ट्स हैं या हॉट गैसेस हैं, उनको हमें फर्नेस से बाहर ले जाना है. ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं ड्राफ्ट. लेकिन कोई भी फ्लूइड फ्लो अगर हो रहा है तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो है कि प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए. तो ड्राफ्ट का डायरेक्ट जो रिलेशन है कि इसको हम बोलते हैं इट इज़ द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर, दैट इज एटमोसफियर, जो कि कोल्ड एयर होगी, एंड दैट ऑफ हॉट गैसेस विद इन अ फर्नेस और चिमनी एट द ग्रेट लेवल. ग्रेट आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर फ्यूल बर्न होता है. क्लियर? फर्नेस के बाहर कोल्ड एयर है, फर्नेस के अंदर हॉट गैसेस हैं. इन्हीं दोनों की वजह से, हॉट गैसेस और कोल्ड एयर की वजह से ही जो सर्कुलेशन होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो कोल्ड एयर अंदर नहीं आ पाएगी, और प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो हॉट गैसेस बाहर नहीं जा पाएंगे. तो बेसिकली ड्राफ्ट का मतलब है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर एंड दैट ऑफ हॉट गैसेस विद इन अ फर्नेस और चिमनी एट द ग्रेट लेवल. हम जो प्रेशर डिफरेंस देखेंगे वो ग्रेट लेवल पर ही देखेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें. कई बार हम ग्रेट लेवल की बात करेंगे. दिस प्रेशर डिफरेंस इज़ द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस. ये प्रेशर डिफरेंस ही वजह बनता है कि कोल्ड एयर अंदर आए और हॉट गैसेस बाहर जाएं. तो इसका जो प्रोसेस है वो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे इसको अचीव कर सकते हैं. लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ड्राफ्ट क्यों रिक्वायर्ड है, या इसको हम बोलें कि इसका फंक्शन क्या है, ड्राफ्ट का फंक्शन क्या होगा या ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ड्राफ्ट इज़ नेसेसरी फॉर इफिशियंट कम्बशन एंड टू प्रोहिबिट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लू गैसेस इन द फर्नेस. यानी कम्बशन के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट है, तो एयर को फर्नेस की तरफ आना होगा. और दूसरा ये है कि हम इफ़िशियंट कम्बशन के लिए फ्लू गैसेस को भी
उस फर्नेस के स्पेस से बाहर की तरफ ले जाएं। अगर फ्लू गैसेस एक्यूमुलेट हो गई या नहीं गई तो कम्बशन इफ़िशेंट नहीं होगा, वो प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा। तो इफ़ द फ्लू गैसेस आर नॉट रिजेक्टेड इफ़िशेंटली देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर विल बी अफेक्टेड। अगर वहाँ पर जो फ्लू गैसेस यानी जो हॉट गैसेस फर्नेस की जगह से नहीं गई तो फ्रेश एयर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हमें फ्रेश एयर को लाने के लिए फ्लू गैसेस को वहाँ से निकालना भी ज़रूरी होता है। बॉयलर यूनिट हैज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ कम्बशन प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस एयर फॉर कंटिन्यूस कम्बशन। क्योंकि हमें फर्नेस में कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, उसका मतलब है कि कंटिन्यूस कम्बशन हो। कंटिन्यूस कम्बशन के लिए सप्लाई ऑफ एयर भी कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूस एयर सप्लाई होने के लिए जो कम्बशन प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपल्सन भी कंटिन्यूस ही होना चाहिए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए हमें ड्राफ्ट यानी प्रेशर डिफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी कि स्मूथली फ्रेश एयर अंदर आ सके और एग्जॉस्ट गैसेस फर्नेस ग्रेड से बाहर जा सकें। तो अगर इसको हम समराइज करें तो दो पॉइंट्स बनते हैं ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट के या फंक्शन के, टू सप्लाई द सफिशियंट एयर फॉर कंप्लीट कम्बशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है टू रिमूव द फ्लू गैसेस फ्रॉम द कम्बशन ऑफ चैम्बर। ये दोनों ही प्रक्रियाएं प्रेशर डिफरेंस की वजह से होंगी। अभी हम देखेंगे कैसे ये पॉसिबल है। मेथड्स टू प्रोड्यूस ड्राफ्ट, किस तरीके से हम ड्राफ्ट यानी कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट क्रिएट करने के दो प्रोसेस हैं। पहला है नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल मतलब जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी। चिमनी जो आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी इंडस्ट्री के बाहर जाएं तो वहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियाँ होती हैं, उस तरह की चिमनी पावर प्लांट में भी होती है जो आप बाहर से भी देख सकते हैं। फिर है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट को दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो पहला होगा स्टीम जेट, जो कि हम स्टीम के जेट को यूज़ करके ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं यानी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और दूसरा मैकेनिकल ड्राफ्ट, जिसको हम या तो फैन या ब्लोवर की हेल्प से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्लियर। स्टीम जेट ड्राफ्ट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, दूसरा है फोर्स ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट क्या होते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। मैकेनिकल ड्राफ्ट को भी तीन पार्ट में फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स्ड ड्राफ्ट एंड बैलेंस्ड ड्राफ्ट। राइट, बैलेंस्ड का मतलब है फोर्स और इंड्यूस का कम्बिनेशन। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में जानेंगे और क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक चिमनी है या स्टैक है। चिमनी और स्टैक में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टैक की जो हाइट होती है वो कम होती है, चिमनी की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, इवन 30-40 मीटर्स तक चिमनी की हाइट हो सकती है। ये अभी अगर हम एक स्टैक एज्यूम करते हैं तो स्टैक के अंदर हॉट फ्लू गैसेस हैं, हॉट गैसेस हैं, और स्टैक के बाहर कोल्ड एयर है। क्लियर, कोल्ड एयर की डेंसिटी हॉट गैसेस से ज़्यादा होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी हॉट गैसेस से ज़्यादा होती है। राइट, तो अगर आप ये देखें कि ये एक कॉलम है, कॉलम ऑफ एयर है यहाँ पर, जो कि एच हाइट की है। राइट, कॉलम ऑफ एयर इस लेवल से एच हाइट पर है। क्लियर, और कॉलम ऑफ हॉट गैसेस अगर आप एज्यूम करें कि वो भी सेम हाइट उसकी है यहाँ इस स्टैक के अंदर, तो डेंसिटी कोल्ड एयर की ज़्यादा है हॉट गैस से, तो प्रेशर भी बाहर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी इक्वल्स टू रो जी एच। अगर हम एच को मान लेते हैं कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी,
और डेंसिटी कोल्ड एयर की ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से जो फ्लो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, क्लियर। और ये जो मूवमेंट होगा वो, इसकी वजह से एयर ग्रेट की तरफ आ पाएगी और ये मूवमेंट हॉट फ्लू गैसेस का ऊपर की तरफ हो पाएगा, क्लियर। तो इसी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बाहर से एयर अंदर आ पाती है और हॉट गैसेस बाहर जा पाती हैं। तो नेचुरल ड्राफ्ट का मतलब ये है कि इट इज़ डन बाय द चिमनी और स्टैक। इसका मतलब है कि अगर हमें नेचुरल ड्राफ्ट कराना है तो एक चिमनी या स्टैक चाहिए। सेकंड, इट वर्क्स ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द कॉलम ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड चिमनी एंड द कोल्ड एटमॉस्फेरिक एयर। इन बॉयलर यूनिट हॉट गैसेस कम आउट थ्रू चिमनी एंड फ्रेश कोल्ड एयर एंटर्स फ्रॉम द ग्रेट। ग्रेट ये सरफेस जहाँ पे कम्बशन हो रहा है, तो ग्रेट की तरफ एयर आती है और ग्रेट से कम्बशन गैसेस बाहर दूर जाती हैं। ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी डिपेंड्स ऑन फ्लू गैसेस टेम्परेचर एंड हाइट ऑफ द चिमनी। इसका हम डेरिवेशन अभी जब करेंगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। यानी कि फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, हाइट ऑफ द चिमनी, अगर हाइट ऑफ द चिमनी ज़्यादा होगी तब भी ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, क्लियर। तो हमें ज़्यादा ड्राफ्ट का मतलब है ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस, और ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये है कि आसानी से एयर इनसाइड द ग्रेट जा सकती है और बाहर हॉट फ्लू गैसेस जा सकती हैं। तो ड्राफ्ट ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस, और ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस हमें मिल सकता है कि जब फ्लू गैस का टेम्परेचर अधिक हो और चिमनी की हाइट अधिक हो। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। टॉलर चिमनी प्रोड्यूसेस लार्जर ड्राफ्ट। तो इससे शायद आपको आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल ड्राफ्ट में कोई भी हम फैन वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, और जो प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं वो सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही क्रिएट हो पाता है, और डेंसिटी डिफरेंस किस वजह से क्रिएट होती है वो है टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है जिसपे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि आप जो नेचुरल ड्राफ्ट में चिमनी यूज़ करने वाले हैं उसकी हाइट क्या होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस पर डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्लियर। अभी हम ये एज्यूम करें कि ये एक बॉयलर है, ये ग्रेट लेवल है, फर्नेस ग्रेट लेवल है, क्लियर, और ये एक चिमनी है। आप देख रहे होंगे ये एक चिमनी है, क्लियर। चिमनी अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसकी इसकी डायमेंशन में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि इसका डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा है, या एरिया कह सकते हैं डिक्रीज़ हो रहा है। उसका कारण यही है कि वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है हमें यहाँ पे। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। प्रेशर डिक्रीज़ होगा तभी इसका मूवमेंट भी ऊपर की तरफ हो पाएगा हॉट फ्लू गैसेस का। तो ये एक पर्पजली है, इसको हम क्या करते हैं डायमेंशन को डिक्रीज़ करते हैं ऊपर की तरफ। अभी जो सिंबल एच लिखा हुआ ये हाइट ऑफ द चिमनी डिनोट कर रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिए हाइट ऑफ द चिमनी जो मेजर कर रहे हैं चिमनी की टॉप, चिमनी के बेस से नहीं, बट हम ग्रेट लेवल से चिमनी की हाइट देखते हैं। ग्रेट लेवल से टॉप तक जो डिस्टेंस होगी वही हम हाइट ऑफ द चिमनी बोलेंगे, राइट। अभी ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कॉलम ऑफ कोल्ड एयर है, यानी कि अगर हम ये माने कि एक कोई कॉलम है जिसमें क्या फील्ड है, कोल्ड एयर फील्ड है, क्लियर, कोल्ड एयर फील्ड है, वो कोल्ड एयर का जो कॉलम होगा वो एच है। और दूसरा इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ हॉट गैसेस, अगर हम इक्विवेलेंट कॉलम माने यानी कि प्रेशर अगर हम सेम मानते हैं तो एच जी वो होगा कॉलम हॉट गैसेस का। एच जी देखें आप वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। तो कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एच जी की ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी। एच जी की ज़्यादा वैल्यू होने का मतलब ये लेवल थोड़ा इससे ऊपर होगा, क्लियर। तो अभी हम समझ चुके हैं कि ड्राफ्ट होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर एंड इनसाइड प्रेशर एट द ग्रेट लेवल। फ्लूड
फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर ग्रेड, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आप डिफाइन करते हैं डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, पी इक्वल्स टू रो जी एच। यहाँ पर हमने एच ये एज्यूम किया है कि वो हाइट ऑफ द चिमनी है ओवर द ग्रेड लेवल। अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें एट द ग्रेड लेवल हॉट गैसेस के लिए, हॉट गैसेस कहाँ होंगी, इनसाइड द चिमनी है और चिमनी की हाइट क्या है, एच है, तो हॉट गैसेस का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी जी इंटू एच, रो जी इज द डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस, एच इज द हाइट ऑफ द चिमनी, राइट। एब्सोल्यूट प्रेशर ड्यू टू कोल्ड एयर कॉलम, जो ये कोल्ड एयर कॉलम है जो कि बाहर है, लेकिन उसका भी आपने हाइट जो एज्यूम किया है वो कितना माना है, एच ही एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, क्लियर। कोल्ड एयर कॉलम की वजह से ग्रेट लेवल पे जो प्रेशर होगा वो रो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ए डेंसिटी ऑफ एयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच, रो ए इज़ द डेंसिटी ऑफ आउटसाइड कोल्ड एयर एंड रो जी इज़ द डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। तो ये बहुत ही बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप ध्यान से इसको समझें कि डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस, यानी कि जो कोल्ड एयर होती हैं वो भारी होती हैं और हॉट गैसेस क्या होती हैं, वो हल्की होती हैं, क्लियर। तो अगर आप इसको यूटिलाइज करें यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले में, डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोल्ड एयर का जो प्रेशर है वो हॉट एयर गैसेस से ज़्यादा होगा। वो इसलिए ज़्यादा होगा कि डेंसिटी कोल्ड एयर की ज़्यादा है और एच आपने सेम लिया हुआ है, इसलिए प्रेशर ऑफ कोल्ड एयर विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ हॉट गैसेस, यानी कि बाहर का प्रेशर अधिक होगा, चिमनी के बाहर का प्रेशर अधिक है, चिमनी के अंदर का प्रेशर कम है, और जिसकी वजह से ही मूवमेंट होगा। दिस प्रेशर डिफरेंस विल एक्ट ऑन द ग्रेट विच विल कॉज फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड द फर्नेस। तो ड्राफ्ट जो कि प्रेशर डिफरेंस जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या होगा, कोल्ड एयर का प्रेशर माइनस हॉट गैसेस का प्रेशर, और अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ए जी एच माइनस हॉट गैसेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस, और दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये बचेगा रो ए माइनस रो जी जी इंटू एच। तो अभी हमें ड्राफ्ट यानी कि प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, वो है डेंसिटी ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस एंड डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर फाइंड आउट कर ले, बट उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका बेसिक आइडिया जो आपको पता लगाना है वो ये है कि अगर आप पहले यहाँ पर देखें कि जनरली जो फ्यूल आप बर्न करते हैं उस फ्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज होता है वो कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन लेकिन बहुत अधिक होता है, हाइड्रोजन कम होता है, क्लियर, और बाकी जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो सबसे अधिक जो उसमें पाया जाता है वो कार्बन है, तो अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपको CO2 मिलेगा। ये CO2 क्या है, बेसिकली ये फ्लू गैस है, यानी कि यही हॉट गैस है, क्लियर, और ये इसमें ही O2 की बात हम करें, बट हम एयर की अगर हम बात करें या O2 की बात करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी आप कार्बन को बर्न कर सकते हैं, तो O2 का जो वॉल्यूम है वो 1 वॉल्यूम है, देख सकते हैं आप, और CO2 का भी 1 वॉल्यूम है, यानी कि एयर और हॉट फ्लू गैसेस का जो वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं कि वो क्या है, इक्वल सा लग रहा है आपको। बट इसमें एक ग्लिच ये है कि जो एयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर अलग होगा, बट हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम उनका कांस्टेंट दिख रहा है, बट
टेम्परेचर अलग अलग है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा जब हम उनको किसी एक रेफरेंस टेम्परेचर से कंपेयर करें तो। ये हमारा एक अजम्पशन होता है इस कैलकुलेशन में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लू गैसेस, जो कि CO2 की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लू गैसेस कैन बी टेकन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर। जनरली O2 की अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर वुड बी टेकन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अजम्पशन होगा इस कैलकुलेशन में। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर हम कैलकुलेट करेंगे किसी एक रेफरेंस कंडीशन पर, और वो जो हमें वॉल्यूम मिलेगा उस वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस निकालेंगे, क्लियर, या हॉट गैस निकालेंगे हम, और वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे किसी दूसरे टेम्परेचर पर। क्लियर? तो अभी हम ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं जो जो वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे, लेट एम ए, जो कि बता रहा है मास ऑफ एयर सप्लाइड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न करते हैं तो कितने kg एयर रिक्वायर्ड है, ma kg। तो अगर आप ये सोचें कि मास ऑफ फ्लू गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, तो ma kg आपने एयर लिया और 1 kg अगर आपने फ्यूल लिया है, तो ma + 1 kg क्या प्रोड्यूस होगा, मास ऑफ फ्लू गैसेस इन kg पर kg ऑफ फ्यूल। अगर आप फ्यूल की वैल्यू चेंज करेंगे तो मास ऑफ फ्लू गैसेस की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट अभी अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल ले रहे हैं तो मास ऑफ फ्लू गैस कितना होगा, ma + 1 होगा। फिर इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस कंडीशन की बात करें। रेफरेंस कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट STP। हमने ये एज्यूम किया है कि वो रेफरेंस टेम्परेचर है 273 केल्विन। क्लियर? P0 स्टैंडर्ड प्रेशर आपने एज्यूम किया है वो है 101.325 kPa। TA हम यूज़ करेंगे जो कि टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर है, जो जाहिर सी बात है इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर से डिफरेंट होगी। जनरली अगर आप ध्यान दिए होंगे बाहर का टेम्परेचर 25 से 30 के आसपास होता है, तो ये TA की वैल्यू वो होगी। क्लियर? और ये T0 की वैल्यू 0°C है बेसिकली। TG इज़ अ टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैसेस, जो कि 350 °C के आसपास हो सकती है। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें तो उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे कि वो वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस के इक्वल होगी। क्लियर? तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम से रिलेटेड, और वॉल्यूम हम किस कंडीशन पे फाइंड आउट कर रहे हैं, STP पर कर रहे हैं। किसका वॉल्यूम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर का। तो V0 से डिनोट किया स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, RT0/P0। ये RT0/P0 क्या होगा, R की वैल्यू है 0.287, T0 की वैल्यू 273, P0 की वैल्यू ये, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 0.7732 m³/kg। सिंस द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड पर kg ऑफ फ्यूल। अभी आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि यहाँ पर फ्यूल 1 है बट मास ऑफ एयर ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड पर kg ऑफ फ्यूल। यहाँ पर फ्यूल क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा अगर आप ऑक्सीजन या हॉट फ्लू गैसेस की बात करेंगे तो। क्लियर? तो हमने इसलिए इसका वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ ये बोला है कि इसलिए वॉल्यूम ऑफ द फ्लू गैसेस यानी कि CO2 की बात हो रही है यहाँ पे, कैन बी टेकन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर, बट डिफरेंट होगा उसमें क्योंकि टेम्परेचर दोनों का अलग है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक रेफरेंस टेम्परेचर पर देख रहे हैं वॉल्यूम, और फिर उस वॉल्यूम से हम कंपेयर करेंगे जब हम फ्लू गैस का वॉल्यूम निकालेंगे, या फिर हम जो वो एयर है उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम हमने जो निकाला है वो रेफरेंस स्टेट पर निकाला है, तो अभी हम वॉल्यूम कंपेयर करेंगे
TA पर और TG पर, क्लियर, इस रेफरेंस वैल्यू से। सो वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर आउटसाइड द चिमनी, आउटसाइड द चिमनी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर है TA, टी सब ए, क्लियर। तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस कंडीशन पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। तो अभी हम उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सिंस हमने ये माना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ए वी ए बाई टी ए इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट। ये वी नॉट बाई टी नॉट क्या है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट हमने लिए हैं, ये है वॉल्यूम। इसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो एम ए इंटू वी नॉट। एम ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं। वी नॉट अपॉन टी नॉट, अगर यहाँ से हम वी ए कैलकुलेट करना चाहें तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए वी नॉट इंटू ये टी ए इधर हो गया बाई टी नॉट, क्लियर। वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अभी आपने देखा कि वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 0.7732, 0.7732 इंटू एम ए इंटू टी ए बाई टी नॉट कितना है, 273 है, क्लियर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 273 बाई 0.7732 तो उसकी वैल्यू 353 आती है, क्लियर। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, डेंसिटी ऑफ एयर फाइंड आउट करना, तो वो हमने डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट किया है बाई कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, एम ए बाई वी ए, क्लियर। ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पर हम इस वैल्यू को ही डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम ए ये है, एम ए बाई वी ए, यानी कि एम ए इधर रहने देते हैं, वी ए को इधर ले आते हैं और जो इधर बाकी बचा उसको उधर भेज देते हैं। तो 273 अपॉन 0.7732 अपॉन टी ए, और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो 353 बाई टी ए आती, यानी इस तरीके से डेंसिटी ऑफ एयर आपने कैलकुलेट कर लिया वो 353 बाई टी ए है। अब हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉट फ्लू गैसेस इनसाइड द चिमनी, हम हॉट फ्लू गैसेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जो चिमनी के अंदर है, बट उसको भी हम उस रेफरेंस स्टेट से ही कंपेयर करेंगे। तो वी जी बाई टी जी इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट, क्लियर। वी नॉट को हमने स्पेसिफिक के फॉर्म में लिखा है एम ए वी नॉट बाई टी नॉट। यहाँ से अगर हम वी जी कैलकुलेट करेंगे तो वी जी की वैल्यू क्या होगी, एम ए वी नॉट टी जी बाई टी नॉट। फिर से हम वी नॉट की वैल्यू रखेंगे जो कि 0.7732 है, एम ए टी जी बाई 273 टी नॉट की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम फिर से डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहाँ पर जो मास ऑफ एयर है, क्लियर। लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ फ्लू गैसेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस तो इसमें है बट मास ऑफ इसमें एयर है, तो हमें मास ऑफ फ्लू गैस चाहिए। मास ऑफ फ्लू गैसेस हमने देखा था पहले वो कितना था, मास ऑफ एयर प्लस वन, वन क्या है, पर के जी फ्यूल के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। तो एम ए प्लस वन डिवाइड बाई वी जी, एम ए प्लस वन डिवाइड बाई वी जी में हम क्या करने वाले हैं, वी जी की वैल्यू कैलकुलेट पुट उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो वन बाई वी जी यहाँ पे जो हम पुट करेंगे तो 273 जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, 0.7732 आ जाएगा नीचे, एम ए प्लस वन पहले से रहेगा, ये एम ए जो न्यूमरेटर में है आ गया डिनोमिनेटर में, और ये टी जी जो न्यूमरेटर में था वो आ गया डिनोमिनेटर में, क्लियर। तो इस तरीके से आप रोजी की वैल्यू इसके फॉर्म में पाते हैं। और फिर से ध्यान दें अगर आप, तो 273 बाई 0.7732 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 353 डिवाइड बाई टी जी इंटू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए, क्लियर।
तो इस तरीके से हमने डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट कर लिया और डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस कैलकुलेट कर लिया है। इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट थी हमें। अब हम देख चुके हैं पहले कि ड्राफ्ट यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू होती है कोल्ड एयर का प्रेशर माइनस हॉट गैसेस का प्रेशर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेंसिटी के फॉर्म में, डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस जी इंटू एच। रो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 353 बाई टी ए, रो जी की वैल्यू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए इंटू 353 बाई टी जी है। इन दोनों की वैल्यूज जब इसमें पुट कर देंगे आप इस इक्वेशन में तो कुछ इक्वेशन आपको ऐसे मिलेगा, क्लियर। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ड्राफ्ट डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 353 हमने कॉमन ले लिया है पहले वाले इक्वेशन से, क्लियर। और जी एच को हम इधर ले आए हैं, इधर जो बचा यहाँ पे 1 बाई टी है क्योंकि इसको मैंने कॉमन ले लिया, माइनस इसको ब्रैकेट में रखा एम ए प्लस वन अपॉन एम ए इंटू 1 बाई टी जी क्योंकि हमने इसको बाहर ले लिया है। इसकी जो यूनिट होगी वो पास्कल होगी, पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है वो ड्राफ्ट की मिली, यानी कि इतना प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा, क्लियर। बट जनरली हम क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस को हम हाइट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, हेड के फॉर्म में लिखते हैं। प्रेशर डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ हॉट गैसेस और कॉलम ऑफ वाटर। जनरली जो हम प्रिफर करते हैं कॉलम ऑफ वाटर के फॉर्म में प्रिफर करते हैं, तो इसलिए हमें ये कन्वर्जन देखना होगा। तो अभी हम पहले देखने वाले हैं कि अगर इस प्रेशर को हम हॉट कॉलम ऑफ हॉट गैस में लिखेंगे तो क्या होगा, क्लियर। ओके, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो ड्राफ्ट है यानी कि प्रेशर डिफरेंस है वो हाइट ऑफ द चिमनी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा ये चिमनी की हाइट होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ड्राफ्ट यानी कि प्रेशर डिफरेंस होगा। यानी कि अगर आप टॉलर चिमनी लेते हैं तो ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, लेकिन कितनी लंबी आप चिमनी लेंगे ये एक कंस्टेंट होगा। तो इसलिए हम नेचुरल ड्राफ्ट के अलावा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट भी पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है ड्राफ्ट जो आपने प्रेशर डिफरेंस भी कैलकुलेट किया है उसको हम कॉलम ऑफ हॉट गैसेस के फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। तो ये एज्यूम करते हैं कि जो गैस का कॉलम है उसकी जो हाइट है उसको हमने डिनोट कर दिया है एच जी से। एच जी वही है जो हमने इक्विवेलेंट हॉट गैस कॉलम की बात करी थी जब उस डायग्राम में आपने देखा होगा तो, क्लियर। एच जी वो है हाइट ऑफ गैस कॉलम। हमें ये एच जी इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो इसको यूज़ करके वो डेल्टा पी के इक्विवेलेंट हो, क्लियर। डेल्टा पी के इक्विवेलेंट हो, हमें इस तरीके से एच जी कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो डेल्टा पी वही होगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। डेल्टा पी की वैल्यू थी 353 जी इंटू एच 1 बाई टी ए माइनस यहाँ पर एम ए प्लस वन होगा, क्लियर, एम ए प्लस वन होगा अपॉन एम ए होगा 1 बाई टी जी। ये डेल्टा पी आप इधर पुट करेंगे, इस तरफ होगा रो जी जी इंटू एच जी। जब ये वैल्यू पुट करें डेल्टा पी की जगह यहाँ पे, रो जी आपने पता कर रखा है डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस, डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस की वैल्यू ये आ रही थी रो जी एम ए प्लस वन अपॉन एम ए इंटू 353 बाई टी जी। वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे रो जी की जगह, जब आपने पुट किया तो आपको ये वाली क्वेश्चन मिली 353 जी एच 1 बाई टी ए माइनस एम ए प्लस वन अपॉन एम ए इंटू 1 बाई टी जी, और ये वैल्यू इधर हो गई, आपने रो जी की वैल्यू पुट कर दी। अब जो हमने रेड से लिखा हुआ है वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 353 जी दोनों तरफ से कैंसिल्ड आउट हो गई। हमें कैलकुलेट करना है एच जी, तो हम एच जी को इधर ही रहने देते हैं और बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको इधर भेज देते हैं लेफ्ट साइड में। तो एम ए प्लस वन अपॉन एम ए को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एम ए अपॉन एम ए प्लस वन, और ये जो टी जी डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा न्यूमिनेटर में यानी इंटू टी जी हो गया, और इधर आपने एच जी की वैल्यू रख दी। तो एच ये ब्रैकेट में जो पार्ट है वो तो वैसे लिखा हुआ है, ये वैल्यू आपने ऐसे लिख दी। अब हम क्या करते हैं, एम ए प्लस वन एम ए अपॉन एम ए प्लस वन इंटू टी जी को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो जब ब्रैकेट के अंदर ले गए तो आपको क्या मिला, ये टी जी बाई टी ए हो गया, और ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दी जो पहले थी यहाँ पे लिखी हुई थी एम ए अपॉन एम ए प्लस वन माइनस। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू रेसिप्रोकल है इसके,
तो ये वैल्यू एक दूसरे से दूसरे को कैंसिल कर देगी, और क्या बचेगा, टी जी न्यूमिनेटर में है, टी जी डिनोमिनेटर में है, तो ये टोटल वैल्यू रेसिप्रोकल एक दूसरे के है, तो क्या बचा, सिर्फ वन बचा। इसको हम लिखेंगे मीटर्स ऑफ हॉट गैस कॉलम। तो इसके पहले जो आपने ड्राफ्ट फाइंड आउट किया था उसकी यूनिट थी क्या, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट जब आपने उसको हॉट गैस कॉलम के फॉर्म में लिख लिया तो उसकी यूनिट हो गई मीटर। जनरली हम हाइट के फॉर्म में लिखते हैं, हेड के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो आसान होता है हमें मेजर करना भी, जस्ट मीटर में कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। तो ध्यान दें कि हाइट ऑफ गैस कॉलम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी यानी कि ये चिमनी से थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी हाइट, एच जी की वैल्यू इक्विवेलेंट जो हॉट गैस कॉलम होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ड्राफ्ट को हॉट गैस कॉलम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिया है। नेक्स्ट है वाटर के फॉर्म में अगर हम इसी ड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करें तो ड्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ वाटर। हमने माना कि एच डब्ल्यू को हम डिनोट करेंगे हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम को हम एच डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। फिर से वही बात कि ये डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू। हमें एच डब्ल्यू को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि जो प्रेशर हो वो डेल्टा पी के इक्वल हो जाए। डेल्टा पी की वैल्यू आपको पता है, जो आपने कैलकुलेट करी है वो है 353 जी एच, ये वैल्यू, क्लियर। इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड में डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू एच डब्ल्यू। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब जी इंटू एच डब्ल्यू। तो अगर जो इसमें आप देखें रेड से जो लिखा हुआ है, सॉरी ये नहीं, जी वाला पार्ट, सिर्फ जी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है आपको एच डब्ल्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इधर 1000 है उसको इधर भेज देंगे तो 353 डिवाइड बाई 1000 इंटू एच, इधर ब्रैकेट में पूरा का पूरा टर्म वही बचेगा और इसकी यूनिट जो होगी मीटर ऑफ वाटर कॉलम होगी, क्लियर। बट इसको आप मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम कैसे लिख सकते हैं, राइट सी बात है, मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1000 जो इधर लिखेंगे इधर 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा ये एच डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 353 एच, और ये रिमेनिंग वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। और अगर आप ध्यान दें तो 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 9.807 पास्कल, 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 9.807 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना कम होता है, ठीक है, अगर 20 मिलीमीटर होगा तो 20 × 9, अगर इसको 10 बोल लें तो 20 × 10 200 पास्कल की वैल्यू जो है 20 मिलीमीटर ऑफ वाटर की होगी। तो ये मिलीमीटर ऑफ वाटर बहुत कम होगा, क्लियर, ये आसान होगा आपको मेजर करना भी, क्लियर है। तो इसलिए हम वाटर में ज़्यादा डेंसिटी के मटेरियल, ज़्यादा डेंस सब्सटेंस को हम चूज़ करते हैं जब प्रेशर को मेजर करते हैं, इसलिए हम मैनोमीटर में मरकरी यूज़ करते हैं क्योंकि वो 13.6 टाइम्स हैवियर है वाटर से, क्लियर। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें कुछ हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ नेचुरल रॉड। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसमें कुछ लॉसेस भी होंगे। एक्चुअल ड्रॉट वुड बी लेसर देन द थ्योरेटिकल ड्रॉट ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द चिमनी सरफेस एंड द हॉट गैसेस, यानी हॉट गैसेस और चिमनी की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअल ड्रॉट लेस होगा, यानी कि आपको जो प्रेशर डिफरेंस मिलेगा इस फॉर्मूले से ज़्यादा मिलेगा, बट फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस कम हो जाने की वजह से जो क्या होगा, एयर का मूवमेंट और हॉट फ्लू गैसेस के मूवमेंट में भी क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो इसलिए ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल फार्मूला है। ड्रॉट यानी एच डब्ल्यू के फॉर्म में अगर हम बात करें, ड्रॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चिमनी हाइट। ड्रॉट बढ़ने का मतलब है कि चिमनी हाइट को हमें बढ़ाना होगा, लेकिन चिमनी की हाइट कितनी ज़्यादा हो सकती है ये एक कंस्टेंट होगा हमारे लिए। ड्राफ्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टी ए, ड्राफ्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टी ए, क्लियर। अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखें कि जब टी ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टी ए की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब है 1/TA की वैल्यू क्या होना, इंक्रीज करना।
तो जब ये इंक्रीज़ जब ये वैल्यू करेगी, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बढ़ती जाएगी, और ये कांस्टेंट मान अगर रहे हैं आप, तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ड्राफ्ट बढ़ेगा तब जब आउटसाइड का टेम्परेचर डिक्रीज़ करे, यानी कि समर और विंटर में अगर आप कैलकुलेट करें तो ये विंटर में टीए की वैल्यू कम होगी, तो ड्राफ्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टीजी वैल्यू, यानी कि जो हॉट गैसेस हैं जो चिमनी के अंदर हैं उसके टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर अधिक होगा तो ड्राफ्ट क्या होगा, अधिक होगा। ड्राफ्ट अधिक होगा आपके लिए बेहतर है, बट आप ये भी देख सकते हैं कि टीजी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए चिमनी से जो बाहर निकल रही गैसेस। अगर आपने चिमनी से हायर टेम्परेचर पे गैस को एग्जॉस्ट कर दिया तो जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपने बाहर फेंक दी। क्लियर? तो ये हमारे लिए एक बेहतर सुझाव, बेहतर ऑप्शन नहीं होगा कि हम हायर टेम्परेचर पे हॉट गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी वजह से इकोनोमाइज़र और एयर प्री हीटर में आप उस एनर्जी को यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर आप टीजी ज़्यादा फेंकेंगे यानी रिलीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो आपको ड्राफ्ट तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन इकोनोमाइज़र और एयर फिल्टर आपको हटाने पड़ सकते हैं। तो ये इसके कुछ कंक्लूज़न है, ये कंक्लूज़न आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ सकता है टॉलर चिमनी की ज़्यादा ड्राफ्ट होती है, क्यों, क्योंकि एच ज़्यादा होने से ड्राफ्ट ज़्यादा वैल्यू होगी आपकी। देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये। क्लियर? तो ये कुछ कंक्लूज़न है आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस इन द चिमनी। हमें ये भी अगर कैलकुलेट करना हो कि जो हॉट गैसेस हैं चिमनी में उनकी वेलोसिटी क्या है, तो बाई टॉर्सली थ्योरम, टॉर्सली एक लॉ है जो थ्योरेटिकल वैल्यू देता है वेलोसिटी की। अगर आप एच जी हाइट पर हैं तो उसकी वैल्यू √2gh हो जाएगी। क्लियर? √2gh। अगर आप हॉट गैसेस की वेलोसिटी देख रहे हैं तो हाइट ऑफ गैस कॉलम भी, आपको गैस कॉलम ही लेना होगा, एच जी वैल्यू लेनी पड़ेगी। हमने सिंबल सी यूज़ किया है वेलोसिटी के लिए, ध्यान रखिएगा, सी इज इक्वल टू √2g इंटू एच जी। अब ध्यान दीजिए कि ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट अगर आप एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो इससे कम होगी, क्यों, क्योंकि चिमनी हैविंग फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन होगा चिमनी में। हॉट गैसेस वेलोसिटी विल बी लेसर, इससे वेलोसिटी कम होगी क्योंकि फ्रिक्शन है। और हम ये अगर एज्यूम करें कि जो फ्रिक्शन लॉस होगा उसको आपने एक प्रेशर ड्रॉप के फॉर्म में लिखा है और वो एच एफ है। क्लियर? एच एफ है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस क्या हो जाएगी, इस हाइट ऑफ गैस कॉलम से आप एच एफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2g इंटू एच जी माइनस एच एफ, ये होगी एक्चुअल वेलोसिटी। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि कई बार ऐसा होता है कि ये एच एफ आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ये आपके पास डेटा नहीं अवेलेबल है, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू फाइंड आउट करी हुई है, उसके फॉर्म में आप अगर लिखना चाहें तो सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं कैपिटल के इंटू √hg, यानी कि आपको के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिल जाएगी। जैसे कि के की वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो ब्रिक चिमनी, अगर वो चिमनी ब्रिक से बनी हुई है तो के की वैल्यू 0.825 ले सकते हैं आप। के की वैल्यू 1.1 होगी अगर वो चिमनी किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है। ये के की वैल्यू आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर? सी इक्वल्स टू के √hg और सी इक्वल्स टू √2gh माइनस एच एफ, दोनों को इक्वल कर दें तो के की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस इन द चिमनी क्या होगी। तो अगर आपको एच एफ की वैल्यू गिवन है, एच एफ की वैल्यू गिवन है, एच जी आप कैलकुलेट करेंगे बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला जो भी डिराइव हुआ था, ठीक है, तो आप सी वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस निकाल पाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप एच एफ नहीं गिवन है, नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि चिमनी किस मटेरियल की बनी हुई है। अगर ब्रिक की बनी हुई तो के की वैल्यू ये यूज़ करनी है, अगर स्टील की बनी हुई तो आपको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। क्लियर? इस तरीके से हम नेक्स्ट
टॉपिक पे जाते हैं वो है डायमीटर ऑफ द चिमनी। अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि चिमनी का डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर ऑफ द चिमनी कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट गैसेस थ्रू चिमनी एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर रखी है। अभी हम बात करते हैं कि मास फ्लो रेट ऑफ हॉट गैसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस थ्रू चिमनी हूज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, ये आपने फार्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा होगा कि मास फ्लो रेट जो है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, रोजी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस। रोजी आपने कैलकुलेट कर रखा है, रोजी आपको वहाँ से मिल जाएगा। एरिया अगर आपने एज्यूम किया कि जो चिमनी है वो सर्कुलर है जिसका डायमीटर डी है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू सी। यहाँ से डायमीटर आप यूज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर 4 बाई पाई का स्क्वायर रूट आप लें तो 1.128 स्क्वायर रूट में एम डॉट जी अपॉन रो जी इंटू सी। तो अगर आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है तो मास फ्लो रेट पता होना चाहिए और डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इस तरीके से इस पर भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि डायमीटर ऑफ द चिमनी क्या होगी, उसको कैलकुलेट करें आप, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है मास फ्लो रेट थ्रू चिमनी। मास फ्लो रेट थ्रू चिमनी, अभी अगर आपको कैलकुलेट करना हो मास फ्लो रेट क्या होगा, तो मास फ्लो रेट का भी फॉर्मूला हमने देखा, रो जी ए इंटू सी, क्लियर। जहां पर एम जी क्या है, मास फ्लो रेट, रो जी डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस। सिंस रो जी की वैल्यू अभी कुछ देर पहले आपने कैलकुलेट करी, वो क्या है, एम ए प्लस वन अपॉन एम ए इंटू 353 बाई टी जी। इसको आप पुट कर देंगे यहां पे रो जी की जगह ए इंटू सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस, जिसको आपने लिखा है एक्चुअल के फॉर्म में सी इक्वल्स टू के रूट एच जी। सी इक्वल्स टू के रूट एच जी। एच जी आपने कैलकुलेट कर रखा है पहले ये वैल्यू, क्लियर, आप देख सकते हैं। तो एच जी की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के रूट एच जी, रूट में आपने ये रख दिया। अब इस सी वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, क्लियर, यहाँ पुट करेंगे आप, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये के इंटू एच, ये वैल्यू सी की हो गई, ये ए लिखा हुआ है और ये वैल्यू किसकी है, रो जी की है। ये हो गया मास फ्लो रेट। अगर आपको सारी वैल्यूज गिवन हैं इस फॉर्मूले में तो आप मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एम ए प्लस वन अपॉन एम ए ये कॉन्स्टेंट है, 353 एक कॉन्स्टेंट है। अगर आपने चिमनी सेलेक्ट कर ली तो उसका एरिया भी कॉन्स्टेंट हो चुका है और के भी कॉन्स्टेंट है। अगर उसका मटीरियल की बात करें, ब्रिक है या स्टील है, तो के भी कॉन्स्टेंट हो चुका है। तो ये टोटल वैल्यू क्या आपने एज्यूम कर ली कि कॉन्स्टेंट है। अब एम डॉट जी, इन सारी वैल्यू को आपने कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया, 1/TG ये रहेगा इंटू दिस अंडर रूट पार्ट पूरा रहेगा ये, क्लियर। अभी हमें कैलकुलेट करना है वो कंडीशन जिस पर जो मास फ्लो रेट है थ्रू चिमनी वो क्या हो, मैक्सिमम हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा रेट से हॉट फ्लू गैसेस चिमनी से बाहर जाएं, तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो अभी आपने ये फॉर्मूला देखा है, एम डॉट जी इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला देखा। अगर आप 1/TG को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 1/TG स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 1/TG स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक टीजी है, नीचे टीजी स्क्वायर है, टीजी स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1/TA इंटू टीजी हो गया, राइट, इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस वन माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज़, तो 1/TG स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अगर उसको आपने मैक्सिमाइज कर लिया तो ये वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्लियर। तो बाई मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल टू मैक्सिमाइज द मास फ्लो रेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टीजी, क्योंकि टीए जनरली क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो आउटसाइड टेम्परेचर, उसमें चेंज नहीं हो सकता, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। तो टीजी के ही वेरिएशन की हम बात करते हैं, इसलिए हमने टीजी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डीएम डॉट जी बाई डीटीजी इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया है। तो जब हम स्क्वायर रूट के अंदर वाले पार्ट को ही डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डीटीजी एच, ये पूरा टर्म लिख लिया आपने,
इक्वल टू जीरो इधर से, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो एच तो कांस्टेंट आपने बाहर रख लिया है, वन बाई टी ए टी जी में इसमें जो डिफ्रेंशिएट करने वाला वेरिएबल है वो टी जी ही है, टी ए को आपने कांस्टेंट माना, वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है, तो माइनस साइन आ गया, वन अपॉन टी जी स्क्वायर हो गया, तो ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें वन अपॉन एक्स टू द पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू अपॉन टी जी क्यूब हो गया, क्लियर इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखें इधर कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो होने के लिए एच जीरो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हाइट ऑफ द चिमनी है, चिमनी ही ख़त्म कर दिया आपने, ऐसा हम नहीं कर सकते, तो हमें ये ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को ही जीरो करना होगा। जब इसको जीरो करेंगे आप इसको ऐसे लिख देंगे, ध्यान दीजिए इधर टी जी स्क्वायर यहाँ टी जी क्यूब है, तो अगर अब इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ सारा ख़त्म हो गया, तो माइनस वन अपॉन टी ए इंटू एम ए प्लस एम ए अपॉन एम ए प्लस वन प्लस टू बाई टी जी इसको टू जीरो। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी जी बाई टी ए का रिलेशन आएगा जो कि क्या होगा टू इंटू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए। जब इस टी जी बाई टी ए की वैल्यू को आप इस एम डॉट जी में पुट करेंगे तो जो एम डॉट जी की वैल्यू आएगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब पूछिए ये कैसे पता चला, फिर से मैक्सिमम मिनिमा का प्रिंसिपल क्या है कि डबल डेरिवेटिव निकालिए अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा, तो हमें मैक्सिमम होगा तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाय प्रैक्टिस बाय सर्टेन बुक्स ये मैक्सिमम ही आता है। तो ये कंडीशन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसका डेरिवेशन पूछा गया, आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना होगा इसको, इसकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। क्वेश्चन भी इस पर आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं कि उस मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट के लिए हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम क्या होगा, क्लियर। एज द हाइट ऑफ गैस कॉलम ये आपने डिराइव किया हुआ है एच जी के फॉर्म में, जब आप ड्राफ्ट लिखते हैं एच जी के फॉर्म में तो ये वैल्यू आती है। जब इस इक्वेशन में आप टी जी बाई टी ए की वैल्यू को जो आपने मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन निकाली है टू इंटू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए यहाँ पुट कर दिया, तो ध्यान से देखें टी जी की जगह आपने ये पुट किया, जैसे ही आपने ये पुट किया तो ये आपको मिल गया टू इंटू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए, और ये पहले से लिखा हुआ है, ये रेसिप कितना हो गया कैंसल्ड आउट हो गया, ये कैंसिल बचा वन, टू इंटू वन टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो गया वन, तो इससे क्या मिल गया एच जी इक्वल टू एच। इसका मतलब क्या है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन हाइट ऑफ द गैस कॉलम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द चिमनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा और इस पर डेरिवेशन भी आता है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत डेरिवेशन आते हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल पार्ट था ये मैंने इस लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट है इफिशियंसी ऑफ द चिमनी। अब जो चिमनी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, उसको हमें कंपेयर करने के लिए नेचुरल केस की हम बात करें तो नेचुरल में हम चिमनी की इफ़िशियंसी की बात करते हैं, तो उसको हम कंपेयर करेंगे आर्टिफिशियल से, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, इफ़िशियंट चिमनी शुड हैव सच ए डिज़ाइन सो दैट द फ्लू गैसेस लीव्स द चिमनी एट द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। हम ये चाहते हैं कि चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकले हॉट फ्लू गैसेस बाहर जाएं वो कम टेम्परेचर पे हों, लोवेस्ट टेम्परेचर पे हों। लोवेस्ट टेम्परेचर पे होने का ही मतलब है कि आपने उसकी जो एनर्जी थी वो आपने सारी एक्सट्रैक्ट कर ली है, चाहे वो इकोनोमाइज़र में एक्सट्रैक्ट करी हो या एयर प्री हीटर में एक्सट्रैक्ट करी हो, क्लियर। तो हम अच्छी डिज़ाइन उसी को मानेंगे चिमनी की जिससे एग्जिट जब हो तो लोवेस्ट टेम्परेचर पे एग्जिट हो। इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो हम समझते हैं, डेफिनेशन ज़रूर एज इट इज़ आप याद करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर डेफिनेशन पढ़ के ही नंबर देता है, अगर आपने उसमें अपने हिसाब से कुछ लिखने की कोशिश करी और आप नहीं लिख पाए सही से तो चीज़ें गलत कम्युनिकेट हो जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का रेशियो है पहली बात तो ये पता चल गया, विद यूनिट मास, यूनिट मास के लिए हम कर रहे हैं यानी कि 1 kg के लिए कर रहे हैं ऑफ गैस इन नेचुरल ड्राफ्ट, क्लियर।
एंड द एक्स्ट्रा हीट कैरीड बाई द सेम मास ऑफ गैस ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन नेचुरल ड्राफ्ट एज कम्पेयर टू दैट इन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। इसका मतलब क्या है मैं अगर आपको समझाऊँ कि अगर आप नेचुरल ड्राफ्ट की बात करें जिसमें आप सिर्फ चिमनी यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं और एयर और हॉट गैसेस का सर्कुलेशन करा रहे हैं, तो भी आपने देखा कि ड्राफ्ट ज़्यादा चाहिए आपको, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा चाहिए। प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा चाहिए तो हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर अधिक रखना पड़ेगा आपको, और हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर अधिक रखने से क्या होगा कि जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? फिर आर्टिफिशियल ड्राफ्ट अगर आप यूज़ करें तो वो क्या हुआ, कम टेम्परेचर पे हॉट गैसेस को एग्जिट करेगा चिमनी से। क्लियर? तो दो केस हो गए, एक हो गया नेचुरल ड्राफ्ट जिसमें हॉट गैसेस जो एग्जिट हो रही हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रही हैं, जिसको आपने डिनोट किया टीजी वैल्यू। क्लियर? फिर आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में जो हॉट गैसेस एग्जिट हो रही हैं उसको डिनोट किया टीजीए से। तो टीजी नेचुरल ड्राफ्ट, टीजीए आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, और ये देखा गया कि टीजी की वैल्यू ऑलवेज टीजीए से ज़्यादा होगी। क्लियर? टीजी की वैल्यू टीजीए से ज़्यादा होगी, तो इतनी एनर्जी उस हॉट फ्लू गैसेस से बाहर चली जा रही हैं, ठीक है, जिसको बोला गया एक्स्ट्रा हीट कैरीड अवे इन नेचुरल ड्राफ्ट, एक्स्ट्रा हीट कैरीड अवे इन नेचुरल ड्राफ्ट कंपेयर टू आर्टिफिशियल ड्राफ्ट बाई यूनिट मास ऑफ गैस। अगर यूनिट मास ऑफ गैस की बात करें तो इतनी एनर्जी बाहर चली जा रही है। क्लियर? ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, एनर्जी विद यूनिट मास ऑफ गैस इन नेचुरल ड्राफ्ट, नेचुरल ड्राफ्ट में जो एनर्जी होगी वो एम जी एच बेसिकली है, तो अगर आप एम एम कैंसिल कर देंगे तो जी एच हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच जी इज द हाइट ऑफ गैस कॉलम। इसकी यूनिट ध्यान रखें क्योंकि ये इफिशियंसी ऑफ द चिमनी क्या होगी, यूनिट लेस होगी, तो जूल पर के जी, जूल पर के जी वैल्यू आएगी। अब हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूज हों कि जूल पर के जी वैल्यू कैसे हो सकती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा हुआ जूल पर के जी। जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच जी इज मीटर, इधर की जो यूनिट है हम उधर बैलेंस करें अगर, तो जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बाई के जी, न्यूटन का लिख सकते हैं के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम, ये पहले लिखा हुआ है, अपॉन के जी, के जी के जी कैंसिल हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ऊपर की यूनिट जूल पर के जी, तो नीचे की यूनिट भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जूल पर के जी के फॉर्म में। कई बार ऐसा होगा दिस सी पी स्पेसिफिक हीट, ये सी पी किलो जूल में आपको गिवन होगा, तो आपको उसको जूल में करना होगा, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चिमनी की इफ़िशेंसी कैलकुलेट कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी टर्म है, इसलिए आप ध्यान रखें, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और दो नंबर या पाँच नंबर में इफ़िशेंसी ऑफ द चिमनी पर लिखने के लिए भी आ सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये देख लिया जो भी कैलकुलेटिव पार्ट था, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन थे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट, क्या एडवांटेज क्या है, ड्राफ्ट ड्यू टू चिमनी डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर। देखा हमने, कोई भी फैन या ब्लोवर नहीं यूज़ कर रहे हैं आप, सिर्फ चिमनी लगाया और फ्लो हो रहा है एयर का और गैसेस का। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस कॉस्टली एंड लॉन्ग लाइफ, चिमनी लगाती है कई वर्षों तक चल रही है चिमनी, कुछ खराबी नहीं हो रही उसमें, कोई मेंटेनेंस नहीं है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, नो मैकेनिकल पार्ट्स, कोई घूमने वाले उसमें पार्ट्स नहीं लगे हुए चिमनी में, हैंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। चिमनी कीप्स फ्लू गैस एट हाई प्लेस इन द एटमॉस्फियर व्हिच प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फियर। एक लंबी ऊंची सी चिमनी आपने लगा दी, हॉट फ्लू गैसेस बहुत ऊपर निकल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो नीचे लोग हैं, आसपास के गांव हैं और सोसाइटी है, उसमें ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
पार्ट होता है, क्योंकि यही जो है आपको रास्ता देता है कि आप आर्टिफिशियल ड्राफ्ट की तरफ जाएं। तो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट को डिफाइन एक्सप्लेन करने के लिए हमें लिमिटेशन जानना बहुत ज़रूरी है नेचुरल ड्राफ्ट का। द ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द चिमनी। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने देख लिया है डेरिवेशन में, हाइट ऑफ द चिमनी, एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर दैट इज TA, टेम्परेचर ऑफ द फ्लू दैट इज TG, लीविंग थ्रू द चिमनी। ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इस पर कंक्लूड कर रहा है वो। हेंस इन ऑर्डर टू गेट अप्रोप्रिएट ड्राफ्ट एट ए गिवन हाइट, प्रेशर डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, एट ए गिवन हाइट ऑफ द चिमनी द फ्लू गैस हैव टू डिस्चार्ज एट कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ ओवरऑल प्लांट इफिशेंसी। अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो ज़्यादा चाहिए, तो हॉट फ्लू गैसेस को ज़्यादा टेम्परेचर पे डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर पे डिस्चार्ज किया तो प्लांट की इफ़िशेंसी रिड्यूस हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्लियर। तो इसका मतलब है कि आप इफ़िशेंसी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल ड्राफ्ट चाहिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट मोर ड्राफ्ट अंडर पीक लोड कंडीशन बिकॉज ड्राफ्ट अवेलेबल इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन हाइट ऑफ चिमनी। अभी आपने चिमनी बना लिया तो चिमनी की हाइट भी कॉन्स्टेंट हो गई, जो कि वही रहने वाली है। फिर कभी मान लो पीक लोड, ज़्यादा डिमांड हो गई, ज़्यादा डिमांड हो गई, तो उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। ड्राफ्ट तो वही रहने वाला है, क्योंकि चिमनी की हाइट फिक्स हो गई है, तो और ड्राफ्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये इसका मतलब क्या, देर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया इसका। ड्यू टू लो वेलोसिटी ऑफ एयर द मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ एयर एंड फ्यूल इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि ऐसे ही अपने आप एयर आ रही है फर्नेस की तरफ, उसको कोई ब्लो करने वाला नहीं है, कोई तेज हाई स्पीड से एयर को ब्लो करने वाला नहीं है। तो लो वेलोसिटी से एयर फर्नेस में अप्रोच कर रही है, तो अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई एयर और फ्यूल की, क्लियर। तो कम्बशन भी पुअर हो गया, जो कि और मतलब इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। दिस इंक्रीजेस द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, तो आपको ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि वही मिक्सिंग नहीं हुई, तो अच्छे से कम्बशन नहीं हुआ, तो आपने और फ्यूल डाल दिया उसमें, आपको लगा कि फ्यूल ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी कि वेलोसिटी ऑफ एयर कम थी। तो ये सब रीज़न बने आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के, लेकिन इसमें बहुत सारे एडवांटेज भी हैं कि अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास उतना बजट नहीं है, तो आप नेचुरल ड्राफ्ट से भी काम चला लेते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, क्लियर। ओके, इस तरीके से हमने इस टॉपिक में जितना भी कैलकुलेशन पार्ट था वो डिस्कस कर लिया है, चाहे वो हाइट ऑफ द चिमनी कैलकुलेट करना हो या वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस। हमने ड्राफ्ट को हॉट गैस कॉलम के फॉर्म में देखा, वाटर कॉलम के फॉर्म में देखा, डायमीटर ऑफ द चिमनी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन क्या होगी, हमने वो देख लिया है, ठीक है। हमने लिमिटेशंस देखे हैं नेचुरल ड्राफ्ट के, एडवांटेजेस देखे हैं नेचुरल ड्राफ्ट के, क्लियर। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और कुछ नया टॉपिक भी ले सकते हैं। अब आपको अपनी तरफ से इस की प्रैक्टिस करनी होगी, खुद लिख कर देखना होगा कि ये कैसे डेरिवेशंस हो रहे हैं, और यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर ये 15 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।